हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखिए मेरे घर पे कौन आया है। मेरे घर पे आया है कियान उसकी मम्मी के साथ, मतलब मेरे बहन के साथ। तो इन लोगों के साथ थोड़े में बिजी रहने से दो दिन से वीडियो नहीं दे पाई। देखिए कैसे हंस रहा है, बदमाशियाँ कर रहा है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों के यहाँ पे बहुत गर्मी दे रहा है, इसलिए कियान ज़्यादा देर नहीं सोया, उठ गया है। देखिए इधर मोबाइल पे बिजी और उधर टीवी पे बिजी, और हम लोगों का कियान खेलने में बिजी। देखिए कैसे मैच से वो खेल रहा है। फ्रेंड्स, कोरोना के वजह से हम लोगों के यहाँ पे फुल लॉकडाउन है। हम लोग बाहर से कुछ भी सामान नहीं ला पा रहे हैं। आज मेरे बहन की बर्थडे था, तो सोचा घर पे रहे सामान से कुछ उसका सेलिब्रेट किया जाए। तो चलिए किचन में देखें हम लोगों के पास क्या है। मैं लहसुन अदरक छिल के रख चुकी हूँ और आटे का केक बना रही हूँ। देखिए मैं आटे से केक बना रही हूँ, क्योंकि मैदा घर पे नहीं था, इसलिए मैं आटे से घर पे केक बना चुकी हूँ। केक की रेसिपी मैं पहले वीडियो पे दे चुकी हूँ, इसलिए आज नहीं दे रही हूँ। और घर में थोड़ा सा बासमती राइस था, तो सोचा हम लोग आज चिकन बिरयानी बनाएंगे। तो उसको हम लोग पहले धो लेंगे और भिगो के रख देंगे। फ्रेंड्स, ये चिकन ना बहुत मेहनत के बाद हम लोग जुगाड़ करके घर पे लाए हैं, क्योंकि एकदम बाहर में कुछ नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा अनियन काट रखी हूँ और अदरक लहसुन को भी हम लोग पेस्ट बना के रख चुकी हूँ। देखिए इस बार मेरा केक भी रेडी हो चुका है, उसको हम लोग ऑफ करके साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, मैं 1 किलो चिकन लाई थी, उसको हम लोग हाफ ऑफ कर लेंगे और उसमें 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर और 50 ग्राम बेसन डालेंगे, क्योंकि उससे हम लोग चिकन पकौड़ा बनाएंगे। और साथ में हम लोग डालेंगे जो कटे हुए प्याज था उसको, उसके बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखे थे उसमें से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नींबू भी निचोड़ के डालेंगे। साथ में हम लोग डालेंगे काली मिर्च 1 चम्मच मुताबिक। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग 1 चम्मच मुताबिक लाल मिर्च डालेंगे। आप लोग जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं, मैं इतना ही डाली हूँ। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एक अंडा तोड़ के डालेंगे और पानी की सहायता से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है, एकदम हालत ख़राब है। अभी देखिए थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, बाहर थोड़ा सा हवा दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद वहाँ पे हम लोग चुकंदर मतलब बीट को ग्रेट करके देंगे। ये ऑप्शनल है, ये मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके बदले आप लोग यहाँ पे फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये घर पे खाएंगे, इसलिए मैं फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी। इसके बदले मैं बीट या चुकंदर इसको हम लोग डाल के उस पर कलर लाएंगे। देखिए इस तरीके से बाजार जैसा कलर आप लोगों के चिकन पकौड़े में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम लोग 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज पे। अभी आते हैं हम लोग बिरयानी बनाने के लिए। आज फ्रेंड एकदम कम बजट की हम लोग बिरयानी बनाएंगे। घर में जो जो सामान है उससे ही हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूंगी पैन पे, रिफाइंड ऑयल, उसको हम लोग गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। आप इसको पूरे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कम बजट के बना रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही घी अभी ऑयल में मिला के डालेंगे। घी गर्म होते हैं या ऑयल गर्म होते हैं वहाँ पर हम लोग जीरा डाल देंगे। जब जीरा पूरा सा चटक जाएगा वहाँ पर हम लोग गरम मसाला जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग, दालचीनी, इलायची हो गया, इसको डाल देंगे। उसके बाद तेजपत्ता डाल देंगे, उसको 1 मिनट तक भुनेंगे। उसके बाद हम लोग अनियन को डाल देंगे, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि वो लाल ना हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक टिप्स देने वाली हूँ। जब आप लोगों के पास समय कम है और प्याज को जल्दी से लाल करना है, वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, उसको भूनिए, प्याज झटपट लाल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 2 मिनट बाद प्याज लाल हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोग जो चिकन धो के रखे थे उसको डाल देंगे और उसको हम लोग अच्छी तरह से भुनेंगे। छः से 7 मिनट तक चिकन के साथ भूनने के बाद हम लोग वहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखे थे उसको भी डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से और
5 मिनट तक हम लोग भूनेंगे। फ्रेंड्स जब चिकन भून के हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो चावल भिगो के रखे थे उसको हम लोग वहाँ पे डाल देंगे और उसको भी हम लोग अच्छी तरह से उस मिक्स कर लेंगे और उसको भी हम लोग भूनेंगे। फ्रेंड्स चिकन के साथ चावल को 10 मिनट तक भूनने के बाद वहाँ पे हम लोग पुदीने के पत्ते डाल देंगे। इसको डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लेवर अच्छे से आते हैं, इसलिए मैं इसको डाल चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग 4 कप पानी डाल देंगे। मैं 1 किलो राइस यूज़ की हूँ इसलिए मैं 4 कप डाली हूँ। ज़रूरत होगा तो मैं बाद में और भी डालूँगी, पहले थोड़ा कम ही डाली है। और इसको ढक के रख दीजिए। फ्रेंड्स 5 मिनट बाद हम लोग चावल को चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग नमक डाल देंगे, मैं पहले ही डाल चुकी थी इसलिए परफेक्ट है, मैं नहीं डालूँगी अभी। और दूसरी ओर हम लोग कढ़ाई बिठा देंगे, नीचे आँच लगा देंगे, ऊपर से रिफाइन ऑयल डाल के उसको गर्म होने देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग चिकन पकौड़ा को तलेंगे। दूसरी ओर हम लोगों का राइस 90% तक हो चुका है, वहाँ पे ऊपर हम लोग किशमिश डाल देंगे। आप लोग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मेरे पास काजू अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं सिर्फ किशमिश ही डाली हूँ। अभी उसमें थोड़ा सा हम लोग ऊपर से घी डाल देंगे, ऐसे करने से अच्छा फ्लेवर आता है। उसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, उसके बाद उसको दम में हम लोग 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स दूसरी ओर हम लोगों का तेल गर्म हो चुका है, वहाँ पे एक एक करके हम लोग सारा चिकन को फ्राई कर लेंगे। पहले आँच को मीडियम ही रखिए, उसके बाद आप लोग लास्ट में हाई करके उसको फ्राई करके तल के निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से सभी पकौड़ों को आप लोग फ्राई कर लीजिए। देखिए मेरा सारा पकौड़ा तल के हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों के डिज़र्ट के लिए जो है गाजर का हलवा। इसको हम लोग छील लेंगे, इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसको कद्दूकस कर लीजिए और देखिए हम लोगों का कद्दूकस किया गाजर रेडी हो चुका है। अभी चलिए हम लोग उसको हलवा बनाते हैं। गाजर के हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पैन को आँच पे बिठा देंगे, वहाँ पे रिफाइन ऑयल डालेंगे। आप लोग इसकी जगह घी डाल सकते हैं, मैं रिफाइन ऑयल यूज़ करूँगी, थोड़ा सा घी डालूंगी। देखिए 1 चम्मच घी डाली है। उसके बाद तेज़पत्ता डालेंगे और जो गाजर था उसको सारा डाल देंगे और उसको हम लोग अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहिए। फ्राई करते हुए ही वहाँ पे 2 इलायची डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से भूनिए जब तक कि गाजर सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए मैं 10 मिनट तक इसको फ्राई करते रही हूँ। उस पर हम लोग अभी दूध डाल देंगे। मैं 10 से 12 गाजर यूज़ की हूँ इससे मैं 1 लीटर दूध डालूँगी। आप लोग उसमें दूध डालिए और उसको अच्छी तरह से उबलने दीजिए। 15 मिनट बाद जब गाजर पूरा सॉफ्ट हो जाएगा वहाँ पे हम लोग चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम लोग हिला लेंगे। साथ 10 मिनट तक उबलने के बाद वहाँ पे हम लोग किशमिश डाल देंगे। देखिए हम लोगों का गाजर का हलवा एकदम सही से हो चुका है। अभी हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे, हम लोगों का गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स एकदम कम चीज़ों से, 1-2 घर पे रहे सामान से खाना पका के हम लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा एक समय आ गया, कोरोना ऐसे एक दिन लेके आया है, हम लोग ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ बाहर से ला सकते हैं, तो ऐसे ही हम लोग आज बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग भी हम लोग के साथ बर्थडे एंजॉय कीजिए।
इसको हम लोग अभी साइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अभी खाना खाएंगे। गर्मी बाहर गिर रहा है तो तुम लोग शुरू हो जाओ, मैं भी हाथ धो के मैं भी आ जाती हूँ खाने के लिए। चलो स्टार्ट हो जाओ। हाय, बोलो हाय। हाय। खाओ तुम लोग। चलिए अभी मैं भी हाथ मुंह धो के अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। आप लोग भी मेरे वीडियो में आगे तक बने रहिए।